Welcome to DSS online class. Myself Anish Ahmad. Today I am going to start division work, worksheet 3 and worksheet 4 in chapter 1st. First question hai hamara worksheet 3 mein, what can you do on a computer? Hum computer se kya kya kaam kar sakte hain? To you can do calculation. हम इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों, आप देखे होंगे कि शॉप पे आप जाएंगे तो कंप्यूटर से ही बिल निकलता है, वो कैलकुलेशन करके बिल निकाल देता है जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है। सेकंड है यू कैन डू कंपैरिजन, हम इसे कंपैरिजन भी कर सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं। थर्ड वॉच मूवी, हम इसमें मूवी भी देख सकते हैं। प्ले म्यूजिक एंड गेम, बच्चों आप लोग जरूर वीडियो गेम खेले होंगे, आप इसमें गेम खेल सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट सेंड मैसेज एंड चैट विद फ्रेंड, आप इससे वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्त से फ्रेंड से चैट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव से भी चैट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट 4, वर्कशीट 4 में आपको कैलकुलेशन करना है 9 और 8 का, तो कैसे आपको क्या करना होगा? अगर 9 और 8 आपको प्लस करना है तो आप क्या क्या प्रेस करेंगे जिससे कि आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, तो आइए हम सीखते हैं। फर्स्ट है प्रेस द बटन विद 9 प्रिंट ऑन इट, आप कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को प्रेस करेंगे। 9 प्रेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रेस द बटन शोइंग द प्लस साइन, फिर आपको प्लस करना है तो हम प्लस साइन को प्रेस करेंगे। थर्ड स्टेप है प्रेस द बटन 8 और 8, फिर हम 8 को प्रेस करेंगे। जब हम 9 और 8 को जोड़ेंगे तो फर्स्ट हम 9 को प्रेस करेंगे, फिर प्लस का साइन दबाएंगे, फिर 8 को प्रेस करेंगे। प्रेस द बटन विद द इज इक्वल टू साइन और उसके बाद हम इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे हमारे सामने 9 और 8 टोटल करके हम कैलकुलेटर रख देगा, कितना होगा 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17। आपको ये आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट हम लोग कल MCQ करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।